तो वीरेंद्र सिंह या ब्रजेंद्र सिंह किस संदर्भ में वो बयान देते हैं उसका तो वही बता सकते हैं। सांझी सरकार है, इकट्ठा लड़ेंगे तो ज़्यादा मजबूती आएगी, अलग अलग लड़ेंगे तो थोड़ा फर्क पड़ता है। इस बात से पार्टियाँ अपने हिसाब से तो सही देती होंगी, सही करती होंगी, लेकिन जांगड़ा साहब ने जो बात कही हकीकत में वो बात सही थी। और उस समय जो शीर्ष नेतृत्व तो होता है उनको लगता है कि हमने फैसला किया वो सही है, परिणाम ने सिद्ध कर दिया कि वो फैसला सही नहीं था। अगर विधानसभा की बात की जाए 2024 की, तो क्या लगता है जेजेपी बीजेपी को गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए? सर, हिसार के जो सांसद है ब्रजेंद्र सिंह, अभी पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया था कि आगे जो चुनाव होगा लोकसभा या उसका, तो अभी हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है, अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए, वो सक्षम है बीजेपी इतनी। देखो, वो तो वीरेंद्र सिंह या ब्रजेंद्र सिंह किस संदर्भ में वो बयान देते हैं उसका तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं तो इतना बता सकता हूँ पिछला चुनाव भी अलग अलग लड़ा था, और इस चुनाव में मतलब जो एक सांझी सरकार है इकट्ठा लड़ेंगे तो ज़्यादा मजबूती आएगी, अलग अलग लड़ेंगे तो थोड़ा फर्क पड़ता है। इस बात से सर, सांसद जो रामचंद्र जांगड़ा जी ने अभी 75 पार को लेकर बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि जो पिछले जो जो बीजेपी का जो चुनाव का जो टिकटों का बंटवारा हुआ उसमें गड़बड़ हुई थी, क्योंकि जिसमें उन्होंने आपका भी नाम लिया था, अगर आपको टिकट दी जाती बीजेपी से और सोमवीर जी को दी जाती, खुद को उनको दी जाती, तो 75 पार होती। क्या लगता है, मतलब बीजेपी में टिकटों का बंटवारा में गड़बड़ हुई थी? गड़बड़ तो जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो अपने हिसाब से देती हैं, और जब परिणाम आता है उसके बाद पता चलता है गड़बड़ी आई है। पार्टियां अपने हिसाब से तो सही देती होंगी, सही करती होंगी, लेकिन जांगड़ा साहब ने जो बात कही हकीकत में वो बात सही थी, और उस समय जो शीर्ष नेतृत्व तो होता है उनको लगता है कि हमने फैसला किया वो सही है, परिणाम ने सिद्ध कर दिया कि वो फैसला सही नहीं था। क्योंकि परिणाम है, बहुत से हमारे जो विधायक साथी जो बनके आए जिन्होंने चुनाव लड़ा, पार्टी में जो है हकदार थे टिकट के, उनको नहीं मिली, तो नहीं मिली उसके बावजूद वो क्या करते, उन्होंने मेहनत की हुई थी, जिसमें मैं भी एक था, सोमवीर भी था, रणधीर गोलन भी था, राकेश दौलताबाद भी था, तो ये हमारे थे 5-7 साथी जो आज भी विधायक हैं, कोई इंडिपेंडेंट है तो कोई किसी पार्टी से है, तो यदि अगर ये बीजेपी में होंगे तो निस्संदेह हम बीजेपी के कहलाते, और अब बीजेपी में नहीं है तो अपनी अपनी पार्टियों के कहलाते हैं, इसलिए जो है पार्टी बीजेपी की जो है सीटें कम रहेगी तो सहारा लेना पड़ा, और राजनीति में सरकार बनाने के लिए संख्या जरूरी है, संख्या पूरी करने के लिए जिसके भी पास संख्या होगी वहाँ से लेनी पड़ेगी। अगर विधानसभा की बात की जाए 2024 की, तो क्या लगता है जेजेपी बीजेपी को गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए? देखो, ये तो जब सरकार सांझी चल रही है, मेरी सोच है कि भाई साझा रहना चाहिए, क्योंकि अच्छाई और बुराई, विकास किया नहीं किया, जनता क्या परिणाम देती है क्या सोचती है, तो इसके लिए दोनों जिम्मेवार हैं, एक नहीं है, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। सर, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ये कहते हैं कि जेजेपी को आगे बीजेपी में विलय कर देना चाहिए। वो तो देखो, वीरेंद्र सिंह किस भाव से कहते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता, और कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए वो जो है जेजेपी का नेतृत्व तो जाना क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मैं तो पार्टी का एक सदस्य हूँ, पार्टी की तरफ से एक विधायक हूँ, और सरकार को समर्थन दिया और जेजेपी ने, इसलिए मेरा समर्थन भी सरकार को है।